हेलो स्टूडेंट, ये क्लास डीआरटी सेकेंड ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी सेकेंड स्पेशल। आज अपना टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक। आज अपने पढ़ेंगे यूरिनरी ट्रैक के बारे में। यूरिनरी ट्रैक क्या होता है? जिसमें किडनी होती है, दो किडनी, दो यूरेटर और एक ब्लैडर होता है। जिसमें किडनी में क्या है, ब्लड का फिल्ट्रेशन वगैरह होता है, फिर यूरिया जो कलेक्ट होता है वो यूरेटर के द्वारा ब्लैडर में जाता है और यूरेथ्रा के द्वारा पास आउट कर दिया जाता है। आज अपने उसकी स्टडी करेंगे कि उसमें कोई भी कैलकुलाई हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कोई पैथोलॉजीज हो जाए, तो उसकी अपनी स्टडी कैसे करेंगे वो आज अपने पढ़ते हैं। इस प्रोसीजर को बोलते हैं अपने IVP और IVU। IVP मतलब इंट्रावेनस पाइलोग्राफी और IVU मतलब इंट्रावेनस यूरोग्राफी। तो IVP और IVU एक ही चीज है। इसके अपने दो नाम दिए गए हैं, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी या इंट्रावेनस यूरोग्राफी। सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके एनाटॉमी की, किसके, यूरिनरी ट्रैक्ट की। एक्सक्रिएटरी सिस्टम, इसको अपने क्या है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। कि ये क्या है, अपना जो यूरिन होता है उसको एक्सक्रिएट करता है, बाहर निकालता है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम कंटेन्स टू किडनी, टू यूरेटर्स एंड वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, दो किडनी होती है, दो यूरेटर्स होते हैं और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी ड्यू टू सम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लीवर। जो अपनी राइट किडनी है वो क्या होती है, थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी की तुलना में। यानी लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर होगी और राइट किडनी वो थोड़ी सी नीचे होगी। क्यों होती है नीचे? क्योंकि जो राइट साइड में अपने क्या लीवर होता है, वो लीवर इसका स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, तो ये हल्की सी नीचे होती है। किडनी इज बीन शेप्ड, किडनी क्या है, बीन शेप्ड होती है। जैसे कि अपनी बीन होती है उस शेप की होती है। एंड इट इज वेट अबाउट 150 ग्राम इन अडल्ट। इसका नॉर्मल अडल्ट व्यक्ति में, यानी एक अडल्ट व्यक्ति में, साधारण व्यक्ति में किडनी का वेट कितना होता है, 150 ग्राम। देयर इज ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है इन द किडनी विच इज नोन एज पेल्विक कैलेशियल सिस्टम। ये क्या है, पेल्विक कैलेशियल सिस्टम होता है। एंड इट्स कंटेन रिनेल मेडुला एंड रिनल पेल्विस। आउटर कवरिंग ऑफ द किडनी इज नोन एज रिनल कोर्टेक्स। किडनी में क्या एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, पेल्विक कैल्शियल सिस्टम यानी PCS। यानी आपको PCS नाम आए तो क्या होता है, वो जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर किडनी में होती है उसको अपने के बोलते हैं पेल्विक कैलेशियल सिस्टम। एंड इट्स कंटेन रिनेल मेडुला एंड रिनेल पेल्विस। और इसमें क्या होता है, रिनल मेडुला होता है और रिनल पेल्विस होता है। आउटर कवरिंग ऑफ द किडनी, जो किडनी की आउटर कवरिंग होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, रिनल कोर्टेक्स। यानी किडनी में एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपने बोलते हैं पेल्विक कैल्शियल सिस्टम, और इसके अंदर क्या होता है, रिनल मेडुला और रिनल पेल्विस होते हैं, और जो इसके आउटर कवरिंग होती है उसको अपने बोलते हैं रिनल कॉर्टेक्स। द जंक्शन एट विच द यूरेटर इंटर्स इन द किडनी इज कॉल्ड पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन PUJ। जहां क्या है, किडनी में यूरेटर्स इंटर करते हैं,
जहां किडनी और यूरेटर आपस में जुड़ते हैं, उस जंक्शन को क्या बोलते हैं अपने, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन। यूरेथ्रा हैव टू वॉल्स, एंड जो अपना लास्ट पार्ट यूरेथ्रा होता है जिसके द्वारा यूरिन को एक्सक्रिएट किया जाता है, उसमें क्या है, दो वॉल्स होते हैं, कौन कौन से, प्री यूरेथ्रा वॉल्व और पोस्ट यूरेथ्रा वॉल्व। जो प्री यूरेथ्रा वॉल्व वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री, और पोस्ट यूरेथ्रा वॉलेंट्री होता है, यानी इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक और वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक। प्री यूरेथ्रा वॉल्व इज कंट्रोल्ड बाई इनवॉलेंट्री मसल्स, जो अपना प्री वॉलेंट्री वॉल्व होता है वो इनवॉलेंट्री मसल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एंड पोस्ट यूरेथ्रा वॉल्व कंट्रोल्ड बाई वॉलेंट्री मसल्स। और जो पोस्ट यूरेथ्रा वॉल्व होता है वो वॉलेंट्री मसल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये देखो, इसमें अपने क्या है डायग्राम दिखा रखा है, राइट किडनी लेफ्ट किडनी, ये क्या है यूरेटर्स है, जिसमें अपर यूरेटर, मिड यूरेटर और लोअर यूरेटर, और ये अपना क्या हो गया यूरेनरी ब्लेडर, और लास्ट पार्ट जो यूरेथ्रा है उसमें दो वॉल्स दिखा रखे हैं आपको डैश डैश करके। ये देखो, ये ऊपर वाला क्या है प्री यूरेथ्रा वॉल्स, और नीचे वाला है पोस्ट यूरेथ्रल वॉल्स। ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको अपने क्या बोलते हैं, पेल्विक कैलेशियल सिस्टम। और जहां क्या है ये यूरेटर्स किडनी के अंदर इंटर कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन, ठीक है। और आउटर पार्ट को जो कवरिंग कर रहा है उसको अपने क्या बोलते हैं, रिनल कोर्टेक्स, और इसके अंदर होता है अपना रिनल मेडुला और रिनल रिनल मेडुला और रिनल पेल्विस। ये आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया अपने किडनी यूरेटर और ब्लैडर का। इसके बाद में देखो अपने को क्या है, किडनी और यूरेटर का एक डायग्राम दिखा रखा है। इसमें देखो अपने को बता रखा है कि ये जो पार्ट है मिडल कोर्टेक्स, मिडल कैलिक्स हो गया, और ये पेल्विक कैलेशियल सिस्टम PCS ये वाला पार्ट होता है, ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ये, और ये जो जंक्शन है जहां क्या यूरेटर किडनी में एंटर करते हैं, ये कौन सा पार्ट होता है, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन। ये अपना लोअर यूरेटर हो गया या मिडल यूरेटर, और ये अपना अपर यूरेटर, ये ब्लेडर की वॉल दिखा रखी है। और इसमें देखो ये क्या है, रिनल मेडुला ये वाला पार्ट, और ये अंदर वाला पार्ट क्या है, रिनल पेल्विस, और जो ये आउटर कवरिंग है किडनी की इसको अपने क्या बोलते हैं, रिनल कोर्टेक्स। जो यहां क्या है अपना यूरेटर ब्लेडर के अंदर जितना पार्ट होता है उस पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, यानी जो पार्ट ब्लेडर के अंदर यूरेटर का जुड़ा रहता है वो होता है वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन, और जो किडनी में जुड़ता है वो पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन। यानी अपने दो जंक्शन हो गए, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन पेल्विक और इसमें यूरेटर और किडनी के बीच में, और वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन यूरेटर और ब्लेडर का जंक्शन। इसके बाद अपने बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी इज एन इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोस द यूरिनरी पैथोलॉजीज और यूरोपैथीज बाई इंट्रोड्यूसिंग एन आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रावेनियसली। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है यूरिनरी पैथोलॉजीज या यूरोपैथीज को इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस करने के लिए, और इसमें क्या किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को, आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कैसे, इंट्रावेनसली। इट इज एन इन्वेस्टिगेशन टू इवेल्यूट डायग्नोसिस, ये प्रोसीजर इवेल्यूट डायग्नोसिस करने
करता है बोथ किडनी यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर को। इस प्रोसीजर में अपने क्या देखते हैं, दोनों किडनी और यूरेटर्स को और यूरिनरी ब्लैडर्स को अपने इवेल्यूट या डायग्नोस करते हैं। यानी इंट्रावेनस पाइलोग्राफी में एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जिसमें यूरिनरी पैथोलॉजीज और यूरोपैथीज को डायग्नोस किया जाता है। किसके द्वारा, आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवा के। और आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस कहाँ से करवाया जाएगा, इंट्रावेनसली। इट इज ए इन्वेस्टिगेशन, ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जिसके द्वारा दोनों किडनी यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर को डायग्नोस किया जाता है। इन दिस प्रोसेस एन आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया नीड्स टू बी इंजेक्टेड इंट्रावेनसली एंड असेसमेंट ऑफ यूरोपैथीज डन विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोस्कोपी एंड कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें क्या आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया को अपने इंट्रावेंस में इंजेक्ट करते हैं, यानी वेंस के द्वारा इंजेक्ट करते हैं, और इसमें क्या अपने यूरोपैथीज को असेसमेंट करते हैं। किसकी सहायता से, फ्लोरोस्कोपी और कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी की सहायता से, सॉरी कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की सहायता से। अब अपने बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की, इंडिकेशंस क्या क्या रहेंगे। इसके इंडिकेशंस है नेफ्रोलिथियोसिस। नेफ्रोलिथियोसिस क्या होता है, रिनल कैलकुलाई यानी स्टोन। अपना जो रिनल यानी किडनी पार्ट है उसमें कोई भी स्टोन आना, उसको अपने क्या बोलेंगे, नेफ्रोलिथियासिस, रिनल कैलकुलाई। नेक्स्ट है रिनल डिसफंक्शन। अगर किडनी में या रिनल में कोई भी डिसफंक्शन हो गया है तो उसको अपने चेक करने के लिए प्रोसीजर करेंगे। नेक्स्ट है एनी ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथीज। कोई भी यानी अपने यूरेटर में, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी पैथोलॉजीज होगी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तो उसको इवेल्यूट करने के लिए। हाइपरटेंशन, अगर किसी भी पेशेंट का हाइपरटेंशन है बहुत ज़्यादा, उसको हाइपरटेंशन रह रहा है यानी ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो उस कंडीशन में भी अपने क्या है, ये प्रोसीजर कर सकते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, डायलेशन ऑफ पीसीएस पेल्विक कैलेशियल सिस्टम, यानी पीसीएस का डायलेशन होना, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रो यूरेट्रोनेफ्रोसिस एंड डायलेशन ऑफ पीसीएस एंड यूरेट्र, ये क्या था अपना, हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिसमें क्या डायलेशन हो रहा था पीसीएस का। अब अपने आगे हाइड्रो यूरेट्रोनेफ्रोसिस, यानी इसमें पीसीएस और यूरेट्र दोनों में डायलेशन हो रहा है। टू इवेल्यूट फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी के फंक्शन को इवेल्यूट करने के लिए, किडनी के फंक्शन को चेक करने के लिए अपने प्रोसीजर करते हैं। ब्लंट इंजरी ऑफ एब्डोमन विद हेमेचूरिया। ब्लंट इंजरी यानी कोई भी इंजरी के कारण, यानी एब्डोमन में इंजरी हो जिससे क्या हेमेचूरिया हो गया। हेमेचूरिया क्या होता है, ब्लड में यूरिन आना, सॉरी यूरिन में ब्लड आना। जब अपने यूरिन में कई बार क्या है, कोई भी चोट लगने से यूरिन आने लग, सॉरी यूरिन में ब्लड आने लग जाता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, हेमेचूरिया। यानी एब्डोमन में कोई भी इंजरी होने के कारण यूरिन में ब्लड आना स्टार्ट हो गया, उस कंडीशन में अपने प्रोसीजर करेंगे। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज सच एज एक्टोपिक किडनी। कंजेनाइटल मतलब जन्मजात, कोई भी जन्मजात एबनॉर्मलिटीज है जैसे कि एक्टोपिक किडनी, यानी किडनी अपनी सही लोकेशन में नहीं है, उस कंडीशन में भी अपने क्या ये प्रोसीजर
करते हैं? यूरेट्रिक पेटेंसी, अपने यूरेटर की पेटेंसी चेक करने के लिए, यानी उसकी स्ट्रक्चर वगैरह चेक करने के लिए। PUJ ऑब्स्ट्रक्शन यानी पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन, जहाँ पे कि अपना यूरेटर और किडनी आपस में जुड़ते हैं, जो जंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन। उस जंक्शन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया जिसके कारण क्या है, यूरिन आगे पास आउट नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी अपन ये प्रोसीजर करेंगे। ATPKD ऑटोसोमल डोमिनेशन डोमिनेंट प्लेस्ट्रिक्ट किडनी डिजीज, ये एक किडनी की डिजीज है जिसमें क्या है, किडनी के अंदर क्या है, ज्यादा मात्रा में गांठ सी होने लग जाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ATPKD यानी ऑटोसोमल डोमिनेट डोमिनेट पेलिस्टिक किडनी डिजीज। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेशन नॉर्मली अपने क्या क्या रहते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी हो गई, ये सब अपने क्या नॉर्मली है। इसमें अपने क्या किडनी का ले रहे हैं, तो किडनी की कोई भी फंक्शन वगैरह काम नहीं कर रहा है तो अभी अपने प्रोसीजर नहीं करेंगे। तो इसमें देखो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अपने सबसे पहला है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम अपने क्या ये प्रोसीजर नहीं करते हैं। एनी प्रीवियस कॉन्ट्रास्ट एलर्जी, अगर पेशेंट को कोई भी पहले से कॉन्ट्रास्ट एलर्जी रह रही है तो अपने प्रोसीजर नहीं करेंगे। कार्डियक फेलियर, अगर किसी भी पेशेंट का हार्ट फेलियर हो रखा है या हार्ट कार्डियक उसका सही काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी अपने प्रोसीजर नहीं करते हैं, क्योंकि बाय चांस देखो अपने जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रावेनसली इंजेक्ट करेंगे वो क्या किडनी में जाएगा तो हार्ट में भी जाएगा, हार्ट में जाएगा अगर उसका हार्ट काम ढंग से नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वो हार्ट में रह जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। अगर हार्ट सही से काम कर रहा है तो क्या होगा, वो वापस उसको पंप आउट यानी बाहर निकाल देगा, जिससे अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया बाहर आ जाएगा। तो उसमें क्या है अपने प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन कार्डियक फेलियर में अपने प्रोसीजर नहीं करेंगे। वेरी पुअर रिनल फंक्शन, अगर किडनी का फंक्शन वेरी पुअर है, बहुत ज्यादा लो है, यानी किडनी अपने सही से काम नहीं कर रही है, तो भी अपने प्रोसीजर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर क्या अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपने शरीर में इधर से उधर घूमता रहेगा, किडनी इसका ढंग से फिल्ट्रेशन करके इसको यूरेटर के द्वारा ब्लेडर में नहीं भेज पाएगी, तो अपने उनकी इमेज ढंग से नहीं देख पाएंगे, तो अपने प्रोसीजर नहीं करेंगे। अगर अपनी किडनी बिल्कुल सही काम कर रही है और उसके आगे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तो उसको अपने देख सकते हैं। इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन एंड इंक्रीज ब्लड यूरिया, अगर इन ये कंडीशंस अगर पेशेंट को है तो अपने ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। और अपने ये IVU प्रोसीजर यानी किडनी को इन्वेस्टिगेशन करने से पहले इन प्रोसीजर की जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अगर ये सारे सही आ रहे हैं अपने कंडीशन में हैं तो ही अपने क्या है प्रोसीजर करते हैं। पॉजिटिव आयोडीन सेंसिटिविटी टेस्ट, अगर पेशेंट का आयोडीन सेंसिटिविटी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उस कंडीशन में भी अपने प्रोसीजर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बाय चांस अगर उसका पॉजिटिव आ रहा है और अपन ने प्रोसीजर कर दिया उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट को इंसर्ट कर दिया तो उसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगी, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, तो इस कंडीशन में अपने प्रोसीजर नहीं करेंगे। इसके बाद आता है अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात करते हैं तो इसमें अपने यूज करते हैं आयोहेक्सोल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। वो भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया कैसे इंजेक्ट करते हैं, इंट्रावेनसली यानी वेन्स के द्वारा। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसमें अपने आयोहेक्सोल ओमिनिपैक जो इंट्रावेनसली अपने इंजेक्ट करेंगे, जिसकी अपने डोज रहती है 300 mg पर kg यानी 300 mg पर kg अपने यूज लेते हैं, और 2 ml पर kg, ये क्या है 300 mg पर kg, और ये क्या है 2 ml पर kg,
यानी मिलीलीटर। ये कब यूज करते हैं? इफ द सॉल्यूशन कंटेन 150 एमजी आयोडीन पर अमल। अगर अपना आयोडीन वो क्या है 150 एमजी पर अमल है तो अपने क्या करेंगे 2 एम एल पर केजी कॉन्ट्रास्ट का यूज करेंगे, नहीं तो अपने नॉर्मल क्या करते हैं 300 एमजी पर केजी कॉन्ट्रास्ट यूज करेंगे। इसके बाद आते हैं अपने इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स कौन कौन से काम में लेंगे? तो इक्विपमेंट्स है फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद इमेज इंटेंसिफायर टीवी सिस्टम, यानी आईआईटीवी सिस्टम, ये अपने यूज में लेते हैं। एक्सरे कैसेट, लेड एप्रोन, आईवी सेट, यानी इंट्रावेनसली अगर अपने को कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करना है तो अपने पास आईवी सेट भी होना चाहिए, कैनुला, कॉटन हूल, सिरिंज 50 एमएल, ग्लव्स, स्प्रिट आयोडीन सॉल्यूशन फॉर स्क्रबिंग, यानी आयोडीन सॉल्यूशन भी अपने रखते हैं स्क्रबिंग के लिए, माइक्रोपोर, ये सारे क्या है अपने इक्विपमेंट्स है जो प्रोसीजर के टाइम अपने काम आते हैं। कॉन्ट्रास्ट सॉल्यूशन ऑफ आयोहेक्सोल, आयोहेक्सोल का कॉन्ट्रास्ट सॉल्यूशन, एब्डोमिनल कंप्रेशन बेल्ट, इसमें क्या है अपने कंप्रेशन बेल्ट के भी, एब्डोमिनल कंप्रेशन बेल्ट के भी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी अपना क्या एक इक्विपमेंट है उसको भी अपने पहले तैयार करते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन की, पेशेंट की क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। एक गुड बोवल प्रिपरेशन, आयोडीन सेंसिटिविटी टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया असेसमेंट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड प्रायर टू द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से अपने क्या करेंगे पेशेंट को गुड बोवल प्रिपरेशन, यानी अपने उसके इंटेस्टाइनल की गुड प्रिपरेशन करने के लिए बोलेंगे, यानी उसको अच्छी तरह इंटेस्टाइन को साफ करके आए, क्योंकि अपना क्या है एब्डोमिनल रीजन में अपनी किडनी यूरेटर ब्लेड रहता है और उसी में क्या अपनी इंटेस्टाइन वगैरह होती है, तो वहाँ क्या है ढंग से इमेज नहीं आ पाएगी, इसलिए अपने इंटेस्टाइन भी खाली रखवाते हैं, यानी उसकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह करवाते हैं। आयोडीन सेंसिटिविटी टेस्ट, आयोडीन का अपने सेंसिटिविटी टेस्ट भी करवाते हैं, सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया असेसमेंट, और ये सारे प्रोसीजर भी अपने क्या है प्रोसीजर होने से पहले ये सारी जांच भी करवाएंगे, उसके बाद ही अपने क्या करते हैं प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट प्रिपरेशन में अपने कुछ यानी जांचेस बताई गई है, कुछ पेशेंट प्रिपरेशन स्पेसिफिक पेशेंट प्रिपरेशन है जो कि बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है और ये करवानी ही होती है। तो सबसे पहली है अपनी AST एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट, आयोडीन सेंसिटिविटी टेस्ट फॉर आयोहेक्सोल इंजेक्शन, अपने सबसे पहले पेशेंट का क्या है AST करवाते हैं, यानी एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट, जिसमें अपने क्या है आयोडीन यानी सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएंगे आयोहेक्सोल इंजेक्शन का, यानी आयोहेक्सोल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का अपने टेस्ट करवाएंगे। सेकंड है अपना RFT रिनल फंक्शनल टेस्ट, यानी रिनल का फंक्शनल टेस्ट भी अपने करवाते हैं, जिसमें सीरम क्रिएटिनिन ये सारे अपने जांच आती है, जिसमें मेल्स में इनके मात्रा होती है, यानी जो लिमिट बताई गई वो होती है 0.6 से 1.2 एमजी पर डिले, फीमेल्स में होगी 0.5 से 1.5 एमजी पर डिले, और ब्लड यूरिया का अपना कंटेन आना चाहिए 7 टू 20 एमजी पर डिले। ये क्या है इसकी एक मात्रा बताई गई है, इसकी एक वैल्यू बताई गई है कि इसमें अपने क्या है नॉर्मल टेस्ट में ये सारे आने चाहिए, तभी अपने क्या है प्रोसीजर करते हैं। लास्ट है अपना बोवल प्रिपरेशन, टू प्रिवेंट एनी ऑब्स्ट्रक्टिव इमेज ऑफ बोवल गैस और ETC ओवर द किडनी, यानी अपने पेशेंट की क्या है पहले बोवल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी तरह करवाते हैं, उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव इमेज अपने को प्राप्त होगी अगर उसमें बोवल गैस रह जाएगी
तो उस गैस की अपने को इमेज प्राप्त होगी। तो अपने क्या है, IVU प्रोसीजर एंड यूरिनरी ट्रैक्ट का प्रोसीजर होगा, उसमें अच्छी तरह इमेज अपने नहीं देख पाएंगे। ये सारी क्या है अपने प्रिपरेशंस हो गई, और इन प्रिपरेशंस को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद अपने प्रोसीजर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें क्या है, अपन ने किडनी, यूरेटर और ब्लैडर के बारे में पढ़ा है और इसका इन्वेस्टिगेशन किया है। अपने क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट में दो किडनी होगी, दो यूरेटर, एक ब्लैडर और एक यूरेथ्रा होता है, जिसमें किडनी का वेट होता है 150 ग्राम इन अडल्ट यानी नॉर्मल व्यक्ति में। और जो ये यूरेटर्स किडनी में जुड़ते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन। और किडनी के अंदर क्या ट्रीनुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, पेल्विक कैलेशियल सिस्टम। और इसमें क्या रिनल मेडुला होता है, रिनल पेल्विस होता है अंदर के पार्ट में, और इस बाहर के आउटर कवरिंग को अपने क्या बोलते हैं, रिनल कोर्टेक्स। ये अपना अपर यूरेटर हो गया, ये मिडल यूरेटर हो गया, ये लोअर यूरेटर हो गया, और ये अपना यूरेटरी वॉल्व हो गया। और जो ये यूरेटर अपने क्या ब्लेडर में अंदर वॉल्व्स होते हैं, इनको अपने क्या बोलते हैं, वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन। यूरेथ्रा में अपने दो वॉल्व्स होते हैं, प्री यूरेथ्र वॉल्व्स और पोस्ट यूरेथ्र वॉल्व्स। प्री यूरेथ्र वॉल्व्स क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स के द्वारा कंट्रोल्ड किया जाता है, और पोस्ट यूरेथ्र वॉल्व्स क्या है, वॉलेंट्री मसल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो अपनी राइट किडनी होती है वो लेफ्ट किडनी की तुलना में क्या थोड़ी सी नीची होती है, क्योंकि यहाँ क्या है, इसका स्पेस वो लीवर ऑक्यूपाई कर लेता है। ये अपनी इसकी एनाटोमी हो गई। फिर अपने क्या है, इसके आगे पेशेंट प्रिपरेशन कर लिया, और नेक्स्ट क्लास में अपने इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। थैंक यू।